ट्विटर ने रात 12 बजे के बाद से वेरीफाइड अकाउंट से ब्लू चेक हटा दिया है। अब किसी भी यूजर को ब्लू चेक हासिल करने के लिए पैसे देने होंगे। जिन लोगों का ब्लू चेक हटाया गया है उनमें सीएम योगी, सलमान खान, विराट कोहली से लेकर जस्टिन बीबर, रोनाल्डो, लेडी गागा, बिल गेट समेत कई बड़े नाम शामिल हैं। दरअसल पर्सनल अकाउंट पर ब्लू टिक की समय अवधि 20 अप्रैल तक ही थी। ऐसे में अब सिर्फ उन्हीं अकाउंट्स पर ब्लू टिक नजर आएंगे जिन्होंने ट्विटर की मेंबरशिप ले रखी है। अमेरिकी कारोबारी एलन मस्क ने ट्विटर को खरीदने के बाद अपनी पॉलिसी में बदलाव किया था। इसमें अकाउंट वेरिफिकेशन पॉलिसी भी शामिल थी। ट्विटर ने घोषणा की थी कि अब ब्लू टिक लेने के लिए कंपनी को हर महीने भुगतान करना होगा। कंपनी ने पहले ही कहा था कि जिन लोगों के पास वेरिफाइड अकाउंट्स हैं और उन्होंने इसके लिए भुगतान नहीं किया है तो वे 20 अप्रैल के बाद अपना ब्लू टिक खो देंगे। ट्विटर के वेरिफाइड अकाउंट पर हर रीजन के लिए अलग अलग चार्ज तय किए गए हैं। ऐसे में अगर कोई यूजर ब्लू टिक चाहता है या पहले से मिले ब्लू टिक को बरकरार रखना चाहता है तो उसे ट्विटर का सब्सक्रिप्शन लेना होगा। भारत में ब्लू टिक का सब्सक्रिप्शन 650 रुपए से शुरू है। मोबाइल यूजर्स के लिए ये 900 रुपए महीना है। खास बात यह है कि ट्विटर पर पहले ब्लू टिक ही दिया जाता था। कंपनी की तरफ से अब 3 तरह का मार्ग दिया जा रहा है। इसमें सरकार से जुड़े अकाउंट्स पर ग्रे मार्क, कंपनियों के लिए गोल्डन मार्क और अन्य वेरिफाइड अकाउंट्स के लिए ब्लू टिक दिया गया है। बहरहाल आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए टीवी9 भारतवर्ष।